जोहार दोस्तों, मैं हूं मीता। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को स्वागत करती हूं। तो गाइस, जो थंबनेल में देख रहे हैं वही आज मैं वीडियो पर दिखाने वाली हूं। तो गाइस, ये है गुड़ पिठा, जो कि हम झारखंडियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी है और इसको हर घर में त्यौहार हो, शादी हो, ब्याह हो या फिर एक लड़की ससुराल जाती हो तो बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम मैं हाफ के जी यहाँ पे चावल फुला कर ले रखी हूँ यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले मिक्सी में पीसेंगे। तो देखिए, मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा के जी ली हूँ चावल, उसको मैं पानी में फुला ली थी। कम से कम 2 से 3 घंटा आपको फुला लेना है। तो चलिए, इसको मैं सूप में छान कर निकाल चुकी हूँ, पानी इसका गर चुका है। तो इसको सबसे पहले मिक्सी में पीस के चलनी के द्वारा से चाल लेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं, लेट ना करते हुए मिक्सी की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे देखिए, मिक्सी में पीस कर उसके बाद मैं यहाँ चलने से चाल रखी हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों, मेरा आटा यहाँ पे परफेक्ट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं, जिसको मैं मुट्ठी बांध रही हूँ तो ये गोल गोल हो जा रहा है, मतलब मुट्ठी बंधा जा रहा है। आपको आटा इसी प्रकार से होना चाहिए, ये बिल्कुल सूखा सूखा नहीं होना चाहिए, इसका नमी ना हटे। उसके लिए मैं यहाँ पे आटा को दबा के रखी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पतीला ली हूँ, जो कि बिल्कुल धोया हुआ और सूखा हुआ होना चाहिए, सबसे फ्रेश होना चाहिए। अगर पानी है तो इसको चूल्हे पर चढ़ा के थोड़ा सा सुखा लेना है आपको। तो मेरा पानी था, आप देख सकते हैं कि मेरा पतीला बिल्कुल सूख चुका है। उस पर मैं 1/2 kg गुड़ यूज कर रही हूँ। तो आप अपने मीठा के अनुसार से आप गुड़ ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 1/2 kg गुड़ के साथ 1 डब्बू पानी का उपयोग कर रही हूँ। आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, 1 गिलास, 1 कटोरी या तो फिर 1 डब्बू आप ले सकते हैं, छोटा वाला डब्बू से। तो देखिए, इस पर अब मुझको उबाल लाना है, गुड़ को एक चाशनी बनाना है। तो देखिए, चूल्हे पे मैं चढ़ा रखी हूँ और आपको थोड़ा सा इस प्रकार से चला लेना है ताकि नीचे लटके नहीं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, मेरा गुड़ पघलना शुरू हो गया है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से आपको बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मेरा गुड़ बिल्कुल भी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, मुझको इसको चाशनी बनाना था, मेरा चाशनी तैयार है या नहीं। चेक करने के लिए मैं कटोरी पे पानी ली हूँ। तो देखिए, पानी में डालना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं फैल रहा है। दूसरी तरीका है कि आप इसको अंगुली से दबाकर देख सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैं दबाई हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेरा चाशनी बनकर तैयार है, बिल्कुल पूरी तरीके से पानी में मेल्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरा चाशनी बनकर तैयार है, अब इस पर मैं चावल आटा डाल सकती हूँ। तो चलिए, इस पर मैं चावल आटा डालती हूँ। देखिए, इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा करके चावल आटा डालना है, एक ही बार नहीं डालना है। एक ही बार डालेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट गुड़ के साथ नहीं हो पाएगा और मेरा अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालना मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल। तो सबसे पहले आप चलिए इसका एक परफेक्ट आटा तैयार कर लेते हैं। तो गाइस, इसका आप देख सकते हैं, इसका बिल्कुल एक मतलब आटा के तरीके इसका मैं तैयार कर चुकी हूँ। तो अगर आपको फिर भी गिल्ला लग रहा है, आप छू कर देख सकते हैं, तो इसमें और भी आप आटा मिला सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि इसको जल्दी जल्दी आपको करना है, नहीं तो आटा मेरा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद रोटी आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल कड़ा कड़ा बनेगा, सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। तो देखिए, मेरा आटा ऐसे वैसे भी मेरा ठंडा होने वाला है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ और इसको ढक कर रख दूंगी मैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको एक साइड में एक प्लेट से ढक कर रख देती हूँ। तो चलिए, इसको मैं साइड करती हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चूल्हे में कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ, उस पर मैं रिफाइंड ऑयल लूँगी, तो इसको गर्म कर लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं रिफाइंड ले रही हूँ 1/2 kg और इसको मैं गर्म भी कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से आपको गर्म कर लेना है, मतलब मीडियम में, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में भी नहीं रखना है आपको। तो देखिए, इस प्रकार से आपको छोटी छोटी लोई लेना है और ऐसा गोल करके आपको एक रोटी का स्ट्रक्चर देना है। चाहे तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इसको। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। मोटा करेंगे तो पकेगा नहीं, पतला करेंगे तो सूख जाएगा रोटी मेरा पकते पकते। तो मीडियम में रखना है और आपको डाल देनी है। तो आप देख सकते हैं, मैं डाल दी यहाँ पे। तो मेरा पहला रोटी है, तो पहला में ही देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मेरा तेल गर्म है। तो देखिए, ये मेरा पहला रोटी, इसको मैं पलट कर मैं आपको दिखाती हूँ। इसी प्रकार से आपको सबको डाल लेना है वैसे बना बना के। तो देखिए, मेरा पहला रोटी। तो दोस्तों, ये झारखंड में मैक्सिमम सभी लोगों को पसंद आता है, या तो फिर एक कन्या जब मायके से ससुराल जाती है फिर भी ये रोटी बना कर लेती है, क्योंकि ये एक रोटी है ही इतनी खास, प्रसिद्ध
कि मैं आपको बता क्या सकती हूँ। तो देखिए कितने सुंदर कलर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी प्रकार से और रोटी को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ मैं एक पतीला ले रखी हूँ जिस पर आपको निकाल कर रखना है। तो चलिए सबको एक एक करके पका लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मिलती हूँ। और देखने में कितने सुंदर कलर आ रहे हैं उसको तो आप देख ही सकते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि कोई भी रेसिपी सबसे पहले आँख खाता है, उसके बाद मुँह खाता है, उसके बाद स्वाद मुँह लेता है, सबसे पहले तो आँख ही लेता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल तो देखिए कुछ यहाँ पे मैं पकाई हूँ और कुछ पक रहा है, तो फटाफट चलते हैं पूरी पका कर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप कितने सुंदर आए हुए हैं, बनकर तैयार है आप देख सकते हैं। तो देखिए मेरा हाफ केजी में कम से कम छोटा छोटा लोई करके एक गमला बना है, मतलब छोटा वाला से। कितने अच्छे लग रहा है ना देखकर, मुंह में पानी आने जैसा। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनकर मेरा गुड़ पिठा तैयार है। इसको आप अपने घरों पे जरूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बनाने में भी बिल्कुल आसान तरीका है और खाने में भी बहुत स्वाद है। इसको आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक रख कर खा सकते हैं। एक डब्बे पर डाल दीजिए, बिल्कुल साफ डब्बे पर, इस जल्दी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। या तो फिर आप लंबे समय के लिए कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर भी आप इसको बनाकर ले सकते हैं। तो गाइस इसको देख लीजिए, एक बाउल से मैं दूसरे बाउल पर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, फिर भी यहाँ पे देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं देख सकते हैं आप। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइज मुझे सपोर्ट कीजिए। एक छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करना एक बड़े यूट्यूबर का फर्ज बनता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।